दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। पार्ट 11 में हम देख चुके हैं थेरेपी करवाने के बाद विवेक की स्पार्क पावर खत्म हो गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप 12 से पहले पार्ट 11 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 12 में हम देखते हैं वीवे की बात सुन मॉम डैड हैरान थे, और फिर वीवे के बताने पर कि उसने थेरेपी करवा ली तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने इतनी रिस्की थेरेपी क्यों करवाई, क्योंकि इसमें उसे हार्म भी हो सकता था। पर फिर खुश होते हैं कि वीवे की पावर चली गई और अब वो नॉर्मल हो गई। सीचोंग को वीवे का हाथ पकड़े देख डैड उसे बाहर बुलाते हैं, और फिर सीचोंग का बायोडाटा पूछते हुए पूछताछ करते हैं। सीचोंग कहता है आई लाइक वीवे, पर वीवे शर्मा रही थी। डैड कहते हैं ये तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है। इससे पहले कि डैड कुछ और कहते, मॉम तभी डैड को वहाँ से खींच कर ले जाती हैं। जुनजुन ने जिया को अपनी गलती मानने के लिए मैसेज किया था, तभी डिंग को डैक्सी का मैसेज आता है कि वीवे ने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया। अगर जिया वीडियो लीक भी कर देगा तो उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। डिंग कहता है प्रॉब्लम सॉल्व, सीचोंग ड्रग टेस्ट करवाने जा रहा है, जो जिया सुन लेता है। इधर वीवे सीचोंग को ड्रग टेस्ट करवाने लाई थी, पर डॉक्टर टेस्ट से पहले टीचर के साइन करवा के लेके आने कहते हैं, तो वो दोनों कल आने का डिसाइड करते हैं। रात काफ़ी थी, उन्हें बस भी नहीं मिल रही थी, और स्कूल और घर भी काफ़ी दूर थे, तो वो दोनों होटल में दो रूम बुक करवाने आते हैं, और लकीली सिर्फ एक ही रूम खाली था। पर जब वो देखता है कि रूम में एक ही बेड है तो वो वापस जाने लगा था, पर वीवे रोक देती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, और शावर लेने जाती है, पर सीचोंग काफ़ी नर्वस बैठा था। जब वीवी अपने बाल सुखा रही थी तो वो उसकी बाल सुखाने में हेल्प करता है, पर दोनों ही नर्वस थे, तो वो कहता है मैं एक और रूम बुक करवाने जा रहा हूँ, और वीवी के हाँ करने पे चला जाता है। नेक्स्ट डे वीवी काफ़ी खुश थी क्योंकि अब तो सीचोंग नेशनल्स में जा सकता है, तो वो कहता है तुम इतनी खुश हो तो हम चिल्ड्रंस डे पर कहीं घूमने चलेंगे, पर वो हंसती हुई भाग जाती है। फिर वो दोनों टीचर के पास ड्रग टेस्ट करने के लिए साइन करवाने आते हैं, पर टीचर बताती है कि सीचोंग को ऑलरेडी ही नेशनल टीम से बाहर कर दिया गया है, तो वो दोनों सैड होते हैं। कोच भी सीचोंग के लिए सैड फील कर रही थी, और जिया को सीचोंग को कंफर्ट करने को कहती है। विवेक को रोता देख सीचोंग कहता है फिर क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार नेशनल टीम में ज़रूर एंट्री मिल जाएगी। वो कहती है पर मेरी वजह से तुम नहीं जा पाए। वो कहता है मैंने तुमसे बताया था ना स्विमिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी, पर तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जिससे मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तुम में चाहे स्पार्क पावर हो या ना हो, पर तुम हमेशा मेरी पिकाचू रहोगी, तो सैड मत हो, स्माइल करो। और फिर उसे अपने किस करने कहता है, तो वो कर देती है। फ्रेंड्स मैं आपको एक न्यू रोमांस कॉमिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है ओवरबियरिंग सीओ वांट्स ए हग। ये एक हेट टू लव स्टोरी है। अगर आप ऐसी रोमांटिक अमेजिंग कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका ऐप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस कॉमिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लंच टाइम पे कुछ बॉय जिया को सीचोंग के पास बैठा देते हैं। डैक्सी और डिंग को गुस्से में देख सीचोंग उन्हें चुप करा कहता है जिया क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है, पर जिया बिना कुछ रिप्लाई दिए चला जाता है। इधर विवे युक्सिन के साथ उसके डैड के पास आई थी सीचोंग के बारे में बात करने। हमें यहाँ पता चलता है कि युक्सिन और उसके डैड का रिलेशन भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। डैड विवे को सुनियोंग की हेल्प लेने को कहते हैं। नेक्स्ट डे सुनियोंग और डायरेक्टर आते हैं, और सीचोंग और जिया दोनों का ही ड्रग टेस्ट करवाया जाता है ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। और फिर सब ठीक होने पर उन दोनों का स्विमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, पर जिया काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं आया था, तो सीचोंग जिया को ढूंढने जाता है, पर जिया तो वहाँ से चला गया था, और नोट पे लिखा था मैंने जेलसी की वजह से तुम्हारे और वीवी के साथ गलत किया, मैं तो तुमसे बहुत पहले से हार चुका, तो इस कंपटीशन का कोई मतलब नहीं बनता, सॉरी मैंने जो तुम्हारे और वीवी के साथ गलत किया। स्कूल से उन्हें मैसेज आता है, पर मॉम डैड को देखने को कहती हैं। डैड मैसेज देख साइलेंट हो जाते हैं, तो मॉम डर जाती हैं, पर मैसेज ये था कि सीचोंग ने स्विमिंग में नया रिकॉर्ड बना दिया और उसे नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। डैड हंस रहे थे तो मॉम डैड को मारती हैं उन्हें डराने के लिए। अब तो विवे ने अपना डिपार्टमेंट भी चेंज नहीं किया था, और वो अभी फिजियोथेरेपी में ही है, और विवे और सीचोंग का स्कूल रोमांस भी फुल ऑन है। विवे को खुश देख सीचोंग कहता है अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है तो बाकी तो तुमसे जेलस होते होंगे।
वो जाने लगी थी पर वो उसे एकदम अपने करीब कर लेता है और उसकी वॉच दे कहता है, तुम अभी भी इसे क्यों पहनती हो? विवेक कहती है, मुझे इसकी आदत हो गई है, इसे पहन के कंफर्टेबल फील होता है। वो पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती थी पर कर नहीं पाई? वो कहती है, मैंने कभी स्विमिंग नहीं की। वो कहता है, स्विमिंग? तुम्हारा बॉयफ्रेंड स्कूल का बेस्ट स्विमर है, तो ये कैसे हो सकता है? चलो आज मैं अपनी पिकाचू को स्विमिंग सिखाऊंगा। विवेक थोड़ा डर रही थी। वो कहता है, डरो मत, मैं हूं ना, चलो। फिर वो पूल में आकर विवेक को भी पूल में आने कहता है। विवेक कहती है, पिछली बार मैं पूल में गई थी तो डूबने से बाल बाल बची थी, पर फिर उसके कहने पे कूद जाती है और उसे अच्छे से हक कर कहती है, मेरा फायदा मत उठाना। वो कहता है, मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? हमेशा तो तुम ही मेरा फायदा उठाती हो, पिछली बार भी तुमने ही मुझे पूल में किस किया था। वो कहती है, वो तो एक्सीडेंट था। फिर वो उसका हाथ पकड़ उसे तैरना सिखाता है। वो कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। पहले तो मुझे हमेशा अपनी पावर का डर रहता था और ये भी नहीं पता था कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगी। वो कहता है, अब तुम अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकती हो और हमारे फ्यूचर के बारे में भी। तो विवेक स्माइल कर उसे किस करती है। सीचंग भी उसे किस करने लगता है और इस पर विवेक की हार्ट बीट भी नहीं बढ़ी थी, इसलिए दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। स्कूल में नोटिस लगा था कि सीचंग स्विमिंग में फर्स्ट आया था, इसलिए वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया। सब खुश थे, पर झुनझुन जिया को वहाँ से जाते हुए देखती है। सीचंग और उसके फ्रेंड्स आकर देखते हैं कि जिया उनके रूम से चला गया। इधर जिया अपना बोरिया बिस्तरा लेके बैठा था, तभी झुनझुन उसके पास आती है तो वो पूछता है, क्या हम दोनों अब भी फ्रेंड्स हैं? झुनझुन कहती है, तुम्हें एक बार सीचंग से फेस टू फेस माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कहता है, मैं उससे माफ़ी नहीं मांग सकता, वैसे भी मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, तो मुझे भी अपनी गलती की सज़ा मिल जाएगी। क्या तुम्हें हमेशा से सिर्फ सीचंग की चिंता रहती है? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं? वो कुछ भी नहीं बोलती तो वो उठ के बाहर आकर बैठ जाता है। वो उसके पास बैठ कर कहती है, तुम्हें डॉम में वापस जाना चाहिए, सब तुम्हें माफ़ कर देंगे। वो मना करता है तो वो कहती है, मुझे पता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, तो तुम अपनी गलती मान लो। सच कहूँ तो मैं हमेशा से तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम्ही ने पहली बार मुझे नोटिस किया और मुझसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। वो कहता है, थैंक यू, मैं डॉम जा रहा हूँ पर मुझे अभी सोचने में थोड़ा टाइम चाहिए। वो कहती है, मैंने तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तुम भी मेरे दिल में हो। जिया स्माइल करता हुआ चला जाता है तो झुनझुन भी खुश होती है। विवेक और सीचंग हाथ पकड़े जा रहे थे, तभी सीचंग को थोड़ा सा शौक लगता है। विवेक कहती है, नहीं ये शौक तो नहीं हो सकता, मेरी हार्ट बीट भी नहीं पड़ी। सीचंग कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट होगा, चिंता मत करो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। विवेक कहती है, तुमने जिया के बारे में क्या सोचा? वो पूछता है, और तुमने, क्या मुझे उससे माफ़ कर देना चाहिए? वो कहती है, तुम इसका आंसर ऑलरेडी जानते हो। वो कहता है, मैंने जिया को हमेशा से ही मेहनत करते हुए देखा है, भले उसने ये गलती करी पर वो इतना स्वार्थी भी नहीं है, मेरे ख्याल से वो अच्छा इंसान है। विवेक कहती है, तुम कब से इतने दयालु बन गए? वो कहता है, मैं पहले से दयालु हूँ, नॉटी पिकाचू। जब विवेक जा रही थी तो किसी से टकराती है तो उसकी बॉडी से स्पार्क निकलता है, जबकि उसकी हार्ट बीट तो नॉर्मल थी। सीचंग नेशनल्स में जाने के लिए पैकिंग कर रहा था तो डिंग कहता है, तू चला जाएगा तो सिर्फ मैं और बाई हाई बचेंगे, मेरा दिल कैसे लगेगा? सीचंग कहता है, ज़्यादा नौटंकी मत कर, डैक्सी है तो सही तेरे दिल लगाने के लिए, ले मेरी टी शर्ट, अगर मेरी ज़्यादा याद आए तो इसे सूंघ लेना। पर तभी वो जिया के साथ वाली फ़ोटो देख पूछता है, जिया कहाँ गया? डिंग कहता है, शायद वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेगा, वैसे क्या तू अभी जिया के बारे में सोच रहा है? तो सीचंग बात टाल देता है, पर तभी सीचंग को जिया का मिलने का मैसेज आता है। जिया सीचंग को आकर कहता है, मैं यहाँ तुमसे फेस टू फेस बात करने आया हूँ, कोच को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने तुम्हें फंसाया था, मैंने स्कूल में रिज़ाइन लेटर भी दे दिया है और विवे वाली बात मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, और सॉरी। सीचंग कहता है, तुझे पता है पहली बार तुझे देख के मुझे क्या फील हुआ था? डिसिप्लिन, टैलेंटेड, हार्डवर्किंग। जब तूने कोच को बताया था कि तू भी नेशनल में फर्स्ट आना चाहता है, तब से मैंने तुझे अपना रियल ओपोनेंट समझ लिया था, तो चले इस पर ऑनेस्टली कंपटीशन करते हैं। जिया स्माइल करता है और फिर सीचंग और जिया दोनों स्विमिंग के लिए आते हैं। सब कन्फ्यूजन में थे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, पर झुनझुन कहती है, मुझे लगता है जीत और हार मैटर नहीं करती।
अब सच में सीचोंग और जिया में से कौन जीतेगा ये जानने के लिए वेट करना। तो देर किस बात की, जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स पर दी गई लिंक को क्लिक करके इस रोमांस कॉमिक के मजे लीजिए। थैंक यू बिलबिली कॉमिक्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ पार्ट 12 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।